मैंने इसको कितना भी प्रेस कर रहा हूँ नीचे से, आप देखेंगे रेक्जेन के ऊपर रिंकल्स ही नहीं, पूरा का पूरा स्टील का हैंडल जिसको जंग नहीं लगा। ये जो शोकैफ रहते हैं ये मेटल के रहते, जैसे कोई ऑयल हुई इम्पोर्टेड में कभी भी आपको ये प्लास्टिक का नहीं आएगा। आप पंप कर रहे हो इसको तो पूरा का पूरा ऊपर आ जा रहा है, पूरा का पूरा। देखिए मैंने कोई भी फोर्स नहीं दिया पीछे, बहुत ही आराम से पीछे चलेगी। कम्फर्ट सलून चेयर से हमारे साथ है दिनेश सर। हेलो सर, कैसे हो आप? सर बढ़िया सर, आप कैसे हो? मोशन सर मैं भी ठीक हूँ। दिनेश सर आज की वीडियो में क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है? तो सर जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो बनाया था इम्पोर्टेड चेयर और इंडियन चेयर, करेक्ट, इस बार मैं आपको नए मॉडल दिखाने वाला हूँ कि इम्पोर्टेड चेयर्स में भी कौन सी नई नई मॉडल हमारे पास आ चुकी है, और इंडियन में भी हम आपको इस बार जो एक कस्टमाइज जो कलर ऑप्शंस वगैरह है वो भी हम आपको दिखाएंगे। कलर ऑप्शन आप कोई भी ले सकते, मतलब कोई भी कलर आपको चाहिए उस पर आपके बन जाएगी, पर फिर भी आज हम आपको रेक्जेन की भी क्वालिटी वगैरह भी दिखाने वाले सर। लास्ट टाइम जो आपको दिखाया था उसकी प्लस आपको झलक दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जो लास्ट वाली थी, लास्ट टाइम आपको हमने ये वाली चेयर दिखाई थी इम्पोर्टेड में, इसको बोलते हैं मिडल डी हैंडल। ये जो हैंडल आप देख रहे हैं ये मिडल डी हैंडल, जो आज आपको मैं दिखाऊंगा वो चेयर में रॉयल गैलेक्सी हैंडल। सब लोग आपने ये चेयर मेरे ख्याल से ऑनलाइन बहुत देखी होगी, इस चेयर के बारे में मैं आपको इस बार जो है जो इम्पोर्टेड में इसकी क्वालिटी दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि इम्पोर्टेड की जो फिनिशिंग है, मैं हर बार बताता रहता हूँ, कोई भी बोल सकता है कि इम्पोर्टेड है, करेक्ट, इंडियन को भी बता देगा कि ये इम्पोर्टेड है, बट आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है फिनिशिंग की। जैसे आप इसकी जो थ्रेडिंग देख सकते हैं पूरी की पूरी नीट एंड क्लीन है। देखिए कहीं से भी आप देख रहे हैं कि मतलब कहीं वो धागा भी मतलब ऊपर नीचे कुछ हुआ है कुछ भी, करेक्ट, और ये डबल स्टिचिंग है। अगर आप नोटिस करेंगे तो डबल स्टिचिंग हुई हुई हर एक चेयर में, करेक्ट, हर एक जगह पे। इस बार अभी मैं आपको इसके फीचर्स वगैरह भी दिखा देता हूँ कि क्यों इतनी मजबूत है। आप देखिए, आप कहीं पे भी देखिए, ऐसे शायद ही कोई ट्राई करेगा। देखिए मैंने इसको कितना भी प्रेस कर रहा हूँ नीचे से, आप देखेंगे रेक्जेन के ऊपर रिंकल्स ही नहीं पड़, करेक्ट, अब वापस कर रहा हूँ मैं, देखिए जितना भी कर लूँ मैं इसको, देखिए जितना भी कर लो इसके ऊपर रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, सही के। और जो आप देखेंगे कि इसका जो इसका हेडरेस्ट है, हेडरेस्ट आप देखिए बैक साइड में, मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसका जो बैक रेस्ट आप देख रहे हैं, इसको आपने जैसे ही ऊपर कर दिया तो मतलब इसकी जो स्मूथनेस आप देखा कितने आराम से मैंने बाहर निकाल दे। इसमें जो है आपको क्लिप आती है, जो इस क्लिप से क्या मदद है, आप इसको बटन को प्रेस करिए और इसको वापस अंदर डाल दीजिए, बस आपको ऐसे ही इसको जैसा एक बार आपने कर दिया वापस प्रेस करेंगे तो अंदर चला जाएगा। सेकेंडली इसका आपने नोटिस किया, देखिए इसके पीछे एक बेल्ट है। आज के डेट में कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि कस्टमर को फ्रॉड कर रहे हैं। उसमें क्या फ्रॉड हो रहा है, क्या आप देख सकती है ये जो चेयर है इसमें जो मतलब आपने पीछे बेल्ट डाल देते ऐसा का ऐसा, पर इस बेल्ट में आप देखेंगे जो फिनिशिंग है, देखिए देखिए मैं घुमा रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा है उंगली को। रीजन कैसा है, इसकी जो फिनिशिंग है एकदम नीट एंड क्लीन है, और ये इसको कभी भी जंग नहीं लगेगा। इवन जो आप इसका ऊपर का पार्ट आप हैंडल वगैरह भी देख रहे हैं, हैंडल वगैरह भी देखिए ऊपर आपको ब्लैक कलर की पट्टी आ जाती है, बहुत ही अच्छी दिखती है। बाद में आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा स्टील का हैंडल है जिसको जंग नहीं लगता। ओके, लाइफ टाइम में शायद आपकी चेयर के 15 साल के बाद खराब हो जाएगी पर आपके स्टील के हैंडल को कुछ भी नहीं होगा, वैसे की इतनी अच्छी क्वालिटी। आप देख सकते हो कि नीचे से भी जो जिसकी मोटापा है नीचे के साइड में भी उतनी ही ये मोटी है, जो हैंडल का आप देख सकते हैं कि नीचे के साइड में भी जो पट्टी है वो भी इतनी ही मोटी है, तो इससे क्या पता चलता है। और सेकेंड इम्पोर्टेड चेयर की अगर आपको जानना है तो ये जो आप शो के आप देख रहे हैं, ये जो शो के आप रहते हैं सर ये मेटल के रहते हैं, मेटल। ये देखिए मैं आपको नीचे गिरा के दिखाऊंगी, इसकी आवाज सुनना, जैसे कोई कॉइन गिरा हो, देखिए करेक्ट, जैसे कोई कॉइन गिरा हो, तो इसके इससे आपको पता चल जाएगा कि ये प्लास्टिक अगर हुआ तो आप समझ लीजिए वो इंडियन चेयर है। इम्पोर्टेड में कभी भी आपको ये प्लास्टिक का नहीं आएगा। इसमें आप देख सकते पूरा कॉपर का आपको जो नट वगैरह भी अंदर देखिए आप पूरा कॉपर का है, मतलब इससे कैसे इसकी जो क्वालिटी इसकी बताते कितनी हैवी क्वालिटी। देखिए इसको मैं वापस इसको बंद कर देता हूँ, बहुत ही इजी, एंड ये सब छोटी छोटी चीज शायद ही कोई बताता है आपको। कंफर्ट सलून चेयर आपको इतनी डिटेल में और इतनी छोटी छोटी चीजें इसके अंदर शेयर कर रहा है आपके साथ। इस बार सर मेरा जो इसको हर एक चीज को बताने का एक मतलब रीजन है, मैंने देखा है कि कुछ लोग हमारे फोटोज वगैरह कॉपी कर रहे हैं, हमारा वीडियोस भी कॉपी कर रहे हैं, और कॉपी करके बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं।
तो कैसा हो रहा है ना सर कि जैसे जैसे आप फेमस होने लगते हो तो मार्केट में आपके कॉपीकैट भी आ जाते हैं सारे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप कभी भी अगर ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, अगर आप मेरे शॉप में विजिट नहीं कर सकते और आप मुझे बोल रहे हो कि मुझे ऑनलाइन ही मुझे कर दीजिए, प्लीज़ आप एक बार मुझे वीडियो कॉल ज़रूर करें, मेरे से एक बार ज़रूर बात कर लेना। कोई भी बता दे कि सर बाहर गए, आपसे बात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरे लिए मेरे कस्टमर बहुत ही वैल्यूबल है, मैं अपने हर कस्टमर के साथ वीडियो कॉल पे बात करूंगा। पेमेंट आपको बिना वीडियो कॉल करने से पहले प्लीज आप पेमेंट ट्रांसफर मत करिए। फिर बैक हम लोग अपने सलून चेयर के ऊपर ही आ जाते हैं। इसका मैं आपको और एक फीचर दिखा देता हूँ जो लास्ट टाइम भी मैंने शायद आपको दिखाया था, वो है इसका हाइड्रोलिक। मैं बताना चाहूंगा व्यूवर्स से कि इस बार हमने जो एड ऑन किया है, ये देखिए पूरा का पूरा नीचे चला जा रहा है, हाफ फॉर्म कर रहे हो इसको तो पूरा का पूरा ऊपर आ जा रहा है। और एक मिसकंसेप्शन है हमारे कुछ कस्टमर्स के जो बोलते हैं कि हमें बार बार चेयर चाहिए, ये शायद उतनी मजबूत होगी नहीं, कोई मोटा आदमी बैठेगा तो टूट जाएगी। कभी बताऊंगा चेयर अगर टूट जाती है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में रिप्लेस करके दूंगा, ब्रांड न्यू दूंगा अगर मेरी कोई भी चेयर टूट जाती है तो। क्यों, मैं आपको अगर मैंने शायद इंडियन में वारंटी गारंटी ना ली हो, पर हाँ मेरी चेयर कभी भी टूटेगी नहीं। अगर मेरी चेयर टूट जाती है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में कस्टमर का रिप्लेस करके दूंगा और ट्रांसपोर्टेशन का भी चार्जेस मैं पे करूंगा। ग्रेट, तो वो मेरी क्वालिटी है सर। अब जैसे वेट का अगर कस्टमर ने पूछा ही है, व्यूवर्स ने पूछा ही है, तो ये चीज शेयर कर दीजिए कि क्या वेट कैपेसिटी है इसकी। सर इसके ऊपर आप कम से कम 150 केजी तक का वेट इसके ऊपर आप आराम से ले सकते हैं। आप बिंदास पूछिए भी कुछ भी नहीं होगा, इतनी मजबूत चेयर है। बाकी सेकेंडली जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिखाया था ना, इसका जो रिक्लाइनर है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, मतलब इंडियन से 3x है, मतलब इंडियन जो चेयर रहती है उससे 3 गुना ज़्यादा ये स्मूथ रहती है। करके पूरा का पूरा देखिए, मैंने कोई भी फोर्स नहीं दिया पीछे, बहुत ही आराम से ये पीछे चले गए। और देखिए पूरे की पूरी ऑटोमेटिक है, देखिए पूरी की पूरी ऑटोमेटिक। ग्रेट। सेकेंडली इसमें जो नीचे भी आपने हाइड्रोलिक, इस बार हमारा जो सबसे बेस्ट पार्ट जो किया है हम लोगों ने कि मैंने इंडियन चेयर में और इम्पोर्टेड चेयर में दोनों ही चेयर में मैंने जो हाइड्रोलिक डाला है वो इम्पोर्टेड हाइड्रोलिक ही डाला है। मतलब हाइड्रोलिक में दोनों में कोई भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो अगर आप इंडियन लीजिए या फिर इम्पोर्टेड लीजिए, दोनों में हाइड्रोलिक जो है वो मैं हैवी ही दे रहा हूँ, क्योंकि कस्टमर के कंसर्न रहता है कि हाँ हम इंडियन में जाएंगे तो शायद हमें जो हाइड्रोलिक है वो थोड़ा सा लो क्वालिटी का मिल जाएगा। तो हम लोग ना आप देख सकते हैं सर, मैं एक बार बताऊँ नीचे से आप देखिए, जो ये हाइड्रोलिक आप देख रहे सर, ये हाइड्रोलिक और ये वाला हाइड्रोलिक, ये दोनों सेम टू सेम है। करेक्ट। इसको मैंने नीचे करके रखा है, ये वाला देख सकते हो मैंने थोड़ा सा नीचे करके रखा है, इसको मैंने अभी जस्ट ऊपर किया है। तो ये हाइड्रोलिक और ये जो हाइड्रोलिक है दोनों सेम टू सेम है, इन दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस निकलता है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको हाइड्रोलिक चेंज कर दूंगा। तो हमने अपने कस्टमर्स के लिए ये अभी इस बार न्यू लॉन्च किया है कि इंडियन में भी इम्पोर्टेड वाला ही हाइड्रोलिक होगा। ओके। मिनिमम भी अगर आप पकड़ लेंगे तो 5 साल तो इस हाइड्रोलिक को अगर आप प्रॉपरली यूज करते हैं 5 साल तक इस हाइड्रोलिक को कुछ भी नहीं होगा। इसकी गारंटी कितने ईयर सर? अगर आप इम्पोर्टेड में जाते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा 1 ईयर सर्विस हमारे तरफ से आपको फ्री है। ओके। समझिए अगर 1 साल के अंदर ही आपका हाइड्रोलिक को कुछ हो जाता है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में रिप्लेस करके दूंगा। okay. इसमें अगर हाइड्रोलिक भी जाए, रिक्लाइनर भी चला जाए, कुछ भी चेयर को अगर डैमेज हो जाता है, वो डैमेज जो कि आपने इंटेंशनली नहीं की हो, तो आपकी चेयर का जो भी पार्ट रहेगा हम लोग आपको चेंज करके देंगे। ओके सर, अब इंडियन का थोड़ा डिटेल बता दीजिए, इंडियन में क्या क्या चीज रहेगा? देखिए सर, इंडियन में इम्पोर्टेड में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डिफरेंस जो रहता है वो बस कैसे फिनिशिंग का रहता है और जो अंदर की जो क्वालिटी रहता है वो रहता है। आप बेसिकली इन दोनों में अगर कोई न्यू सैलून ओपन कर रहे तो उनको बहुत ही इजी नहीं होता है कि दोनों में क्या डिफरेंस ढूंढे। करेक्ट। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि जो ये शो कैप है ये कभी भी मेटल्स के होंगे। करेक्ट। ये जो फिनिशिंग आप देख रहे डबल स्टिचिंग होगी, ये इम्पोर्टेड की मतलब जो क्वालिटी है। अभी इस बार हम लोगों ने जो न्यू चेयर लाई है वो ये वाली चेयर है। अगर किसी कस्टमर का बजट थोड़ा कम है और उसे एक सलोन वाली चेयर चाहिए, कि सलोन चेयर चाहिए पर मेरी बजट कम है,
तो ये वाली जो चेयर है हमारी अब तक की लोएस्ट प्राइस वाली चेयर है। ओके, तो इस चेयर में भी आपको मैं बता देता हूँ, इस चेयर में जो मैंने हाइड्रोलिक डाला है वो सेम टू सेम जो इम्पोर्टेड चेयर का है वही वाला इसमें हाइड्रोलिक है। ओके ओके, सेकेंड इसमें भी हम लोगों ने थ्री फोल्ड दिया है, जैसे ये जो पार्ट है पूरा का पूरा बाहर आ जाए, स्ट्रेटनिंग करी है, स्मूथनिंग करी, हेयर कलर वगैरह करी, हेयर वॉश किया है, तो आपको अभी ड्राई वगैरह करना है तो ये वाला पार्ट आप निकालिए और आराम से कर सकते, ये भी निकाल सकते हो, और ये वाला जो पार्ट है ये भी पूरा का पूरा बहुत ही स्मूथली लग जाता है, निकल जाता है। कुछ कुछ केसेस में कैसा होता है कि कभी कभी ये थोड़े हार्ड हो जाते हैं बाहर करना, अंदर में आपको कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए बस इसमें। ओके, इसमें ऑयल लगा दीजिए, एकदम स्मूथ हो जाएगा, मतलब आपको कुछ एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ेगा, इतना भी स्मूथ हो जाएगा। इसका और एक बेनिफिट बताता हूँ, अगर आपको हाइट वगैरह ऊपर नीचे करनी तो आप समझे कोई ज्यादा लंबा आदमी आ गया, तो उसके लिए आप हाइट भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, सेम टू सेम आप इम्पोर्टेड चेयर में, तो ये वाली जो चेयर सर आपको मैंने दिखाई सेम टू सेम इसमें भी आप ऐसा का ऐसा कर सकते हैं। इसको भी जो हमने रिक्लाइनर यूज किया है, जो रिक्लाइनर है हमने अच्छी क्वालिटी वाला रिक्लाइनर यूज किया, मतलब ऐसा नहीं कि भाई कि कम रेट की चेयर है तो कि रिक्लाइनर लेके गए दो तीन महीने में खराब हो गया, ऐसा पीस आपको मैं नहीं दूंगा, इसकी मैं आपको गारंटी दे दूँ, जो भी मैं पीस दूंगा आपको वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आपको आएगा। ये देखिए मैंने इसको पुल किया, पूरा का पूरा पीस आ रहा है, देखिए पूरा का पूरा, मतलब जो क्वालिटी जो है हम लोग क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। प्राइस हम कम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस ग्रो हो रहा है मेरी क्वांटिटी बढ़ रही है, जैसे मेरी मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो कैपेसिटी इंक्रीज हुई है मेरा प्राइस भी कॉस्ट भी बहुत कम आ रहा है, तो इस वजह से मैं जो प्राइस जो है धीरे से नीचे करते जा रहा हूँ बार बार, ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक थी। ओके, इसका हाइड्रोलिक भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए पूरा का पूरा सेम टू सेम जैसे आपने इम्पोर्टेड का देखा है वैसा ही इसका हाइड्रोलिक है, ये देखिए मैंने इसको ऊपर करो सेम हाइड्रोलिक है इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इस चेयर को अगर आपको ऑर्डर करना है तो इस चेयर का नाम है कैडबरी चेयर। ओके, रीजन भी है कि देख सकते हैं कैडबरी जैसे इसमें चॉकलेट जैसे जो बॉक्सेस बने हुए इसकी वजह से, इसमें मैं आपको और एक भी ऑप्शन दूंगा, इसमें अगर आप बोलते हो मुझे डायमंड्स लगा के दीजिए, हाँ इसमें हम लोग सिक्स डायमंड चेयर भी बन जाएगी। ओके, मतलब इसमें हम आपको ज्वाइन करके देंगे डायमंड्स वगैरह, तो इसकी जो और जो ब्यूटी है और ज्यादा इसकी दिखने में आपका आएगा। आप मुझे जब व्हाट्सएप पे आपका मैसेज वगैरह आएगा तो हम आपको उसके भी फोटोज वगैरह फुल फॉरवर्ड करेंगे। ओके सर, और किसी को भी अगर परचेस करना है तो बेस्ट वे क्या है परचेस करने का? अगर किसी को भी अगर विद इन मुंबई में, मुंबई से या महाराष्ट्र से आप हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर पॉसिबल हो सके, अगर आपका पूरा सेटअप है, क्योंकि सेटअप वाले मेरे पास मैंने देखा है कि जिनका सेटअप रहता है न्यूली वो मेरे पास बहुत ही ज्यादा कस्टमर आते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज आप एक बार आइए, मेरी क्वालिटी देखिए, जो भी मेरी क्वालिटी रहती है आप मेरी क्वालिटी प्लीज देखिए, क्योंकि विदाउट क्वालिटी आपको पता नहीं चलेगा कि भाई डिफरेंस क्या आ रहा है प्राइस। मुंबई में मेरी जो चेयर है वो लोएस्ट प्राइस इन मुंबई है, पर हाँ मैं कचरा माल सेल नहीं करता, मेरा जो ब्रांड है कंफर्ट, उसका मुझे उस ब्रांड का जो है ना कंफर्ट मतलब क्वालिटी बताना है लोगों का, कि आपने कंफर्ट का मान लिया तो आपने क्वालिटी मान लिया। आज हमारे पास जैसे कस्टमर जो आए थे कर्नाटका से मुंबई आए थे सर, तो वो इसीलिए आए थे क्योंकि हमारा जो क्वालिटी था उनके किसी फ्रेंड ने बताया था उनको कि उनकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, उसकी वजह से कर्नाटका से मुंबई आए, आज उन्होंने बुकिंग किया है, कल सुबह शायद वो यहाँ से आके बाई कार ही चेयर वगैरह लेके जा रहे हैं, और उनके जो दूसरे बड़े बड़े जो बॉक्सेस बनेंगे शैम्पू चेयर पेडिक्योर चेयर फेशियल बेड के वो उनको मैं ट्रांसपोर्ट से भेज रहा हूँ। मैं हर डिटेल मैं ये भी पता है जो भी मेरे पास कस्टमर्स आ रहे उनके मैं फोटोज लेता हूँ उनके साथ, उनको गिफ्ट वगैरह जो भी रहता है मेरे तरफ से मिलते हैं वो वगैरह देता हूँ, मेरे हर इंस्टा हर कस्टमर का जो फोटोज है मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करता हूँ सर। ओके, तो गाइस ये सारी फैसिलिटी मिलेगी सर, इधर से एक पीस भी परचेज कर सकते हैं? आप एक पीस भी परचेज कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया में, आपको जितनी भी क्वांटिटी चाहिए सेटअप वगैरह चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा सर। गाइस सारी डिटेल्स वीडियो में बता दिया, बाकी डिटेल्स के लिए आप पर्सनली इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, एड्रेस नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया। ये वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं बहुत जल्द कोई नई सी वीडियो के साथ, टिल दैट टाइम बी सेफ एंड हैव फन, पीस आउट। We'll be right back.